أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं की टू सक्सेस मेरा थर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से मटेरियल अपलोड किया है और ये मटेरियल ना सिर्फ आपको मिड टर्म फाइनल टर्म बल्कि आपके जो ग्रैंड क्विज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होगा। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो या लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारी CF403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से है। इसके अंदर मैं आप लोगों को 50 MCQ सॉल्व करवाऊंगा। ये MCQ जो है आप लोगों को ग्रैंड क्विज सॉल्व करने में भी मददगार होंगे और ये आपका मिड टर्म के हवाले से तैयारी करने में भी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से हम MCQ सॉल्व करते हैं और ये ना सिर्फ मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि इसका ये जो आंसर है ये कैसे आया है। अब आपके पेपर या ग्रैंड क्विज के अंदर कहीं से भी MCQ आ जाए तो आप बड़ी आसानी के साथ उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। अ सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज सुपर की इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होती हैं, ठीक है। उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? अ की दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल इज नोन एज प्राइमरी की। ऐसी की जो आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी रिकॉर्ड को, इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सुपर की आती है। अ सुपर की इज सेट ऑफ वन आर मोर एट्रीब्यूट विच टेकन कलेक्टिवली अलाउ अस टू आइडेंटिफाई यूनिकली एन एंटिटी इंस्टेंसेस इन द एंटिटी सेट। तो ये हमारी सुपर की जो है ये सेट ऑफ मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट को कलेक्टिवली आइडेंटिफाई करने के लिए है। इसके बाद हमारे पास कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की अ सुपर की फॉर विच नो सबसेट, ऐसी सुपर की जिसका कोई सबसेट नहीं होता, इसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉरेन की है। अ प्राइमरी की विच इज यूज्ड एन अदर टेबल, आपकी एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे टेबल के अंदर यूज की जाती है एज एन एट्रीब्यूट इज नोन एज फॉरेन की, इसको हम फॉरेन की कहते हैं। इट आल्सो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इसकी आपकी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है। इसके बाद हमारे पास एक की होती है सेकेंडरी की। मेनी टाइम्स वी नीड टू एक्सेस सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी टाइप यूजिंग द वैल्यू वन आर मोर एट्रीब्यूट देन द प्राइमरी की। हम जो है एक से वाइड जो है एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इन दैट कंडीशन वी हैव यूज द सेकेंडरी की, हम सेकेंडरी की का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आखिरी जो है वो हमारे पास अल्टरनेट की है। अल्टरनेट की, कैंडिडेट की विच आर नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की, आपकी ऐसी की जो प्राइमरी की के तौर पे चूज की जा सकती थी लेकिन आपने उसको एज अ प्राइमरी की यूज नहीं किया, इसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था वो सुपर की विच नो सबसेट, तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास कैंडिडेट की है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट एंड कैन हेल्प टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंसर्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यू, नल वैल्यू, बोथ ए एंड बी ऑप्शन और नन ऑफ दी अबव। अब हमारे पास जिस तरह हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज देखी हैं इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज भी हैं। एक इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू आर द वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट एंड कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंसर्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज इन द एट्रीब्यूट स्पेस।
ये हमें हेल्प करती हैं कि हम उनके अंदर इनकरेक्ट वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट ना कर सकें, बल्कि उसकी जगह पे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएं। इसके बाद है सेकंड, नल वैल्यू। एज वी ऑलरेडी नो दैट अ नल वैल्यू इज एन एम्प्टी वैल्यू, कि ये बिल्कुल खाली एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो एंड स्पेस। अब इसके अंदर ना तो जीरो आता है और ना ही कोई स्पेस आती है, इसको हम नल वैल्यू कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसमें रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंसर्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज दैट इज नोन एज द डिफॉल्ट वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। मिनिमाइज इन्सर्शन एनोमलीज, मिनिमाइज डिलीशन एनोमलीज, मिनिमाइज अपडेशन एनोमलीज, मैक्सिमाइज रिडंडेंसी। अब जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी काफी सारे बेनिफिट हैं। नॉर्मलाइजेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक द डेटाबेस डिजाइन मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट, कि हमें ये हेल्पफुल होता है हमारे डेटाबेस को एफिशिएंट बनाने में, एक्यूरेट बनाने में। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एग्जिस्ट अप टू 6 नॉर्मल फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हाउएवर फॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज सफिशेंट, कि 3 तक जो है वो सफिशेंट है, वैसे 6 तक नॉर्मल फॉर्म होती है। नॉर्मलाइजेशन हेल्प टू मैक्सिमाइज रिडंडेंसी इन द डेटाबेस, इससे आपकी रिडंडेंसी जो है वो मैक्सिमाइज होती है। तो ये डी ऑप्शन के ऊपर जवाब हमें दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल एट्रीब्यूट। इसमें हमें एट्रीब्यूट के बाहर 1 लाइन, एट्रीब्यूट के बाहर 2 लाइन, एट्रीब्यूट के बाहर डॉटेड लाइन और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास एट्रीब्यूट जो है वो सिंपल होते हैं, कंपोजिट होते हैं, मल्टी वैल्यूड होते हैं और डिराइव्ड होते हैं। तो जब हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट होगा तो उस एट्रीब्यूट के बाहर एक सिंगल लाइन होगी। जब हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा तो एक एट्रीब्यूट से 2 एट्रीब्यूट निकल रहे होंगे, इसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के बाहर 2 लाइंस होती हैं, और जो हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है इसके बाहर डॉटेड लाइन होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट के साथ है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक, ज्वाइन रोज आर ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन 2 रिलेशंस। इसमें थीटा ज्वाइन है, इसमें इक्वी ज्वाइन है, इसमें सेमी ज्वाइन है और इसमें नेचुरल ज्वाइन है। तो हमारे पास ज्वाइन भी बहुत सारे हैं, इसकी हम देख लेते हैं। ज्वाइन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 टेबल, कि ये 2 टेबल्स को मिलाने से एक ज्वाइन बनता है। इन रिजल्टेंट प्रोडक्ट वी ज्वाइन टपल ऑफ 1 टेबल विद द टपल ऑफ सेकंड टेबल। हम जो है एक टेबल की रोज को दूसरी टेबल की रोज के साथ मिलाते हैं, इसको हम ज्वाइन कहते हैं। इसमें थीटा ज्वाइन है। वी अप्लाई ऑल द कंडीशन ऑन इनपुट रिलेशन ऑन देन Only those selected rows are used in cross product to merge and include in output. Equi join है, in equi join rows are joined on the basis of value of common attribute, कि जो आपके common होंगे उसको आप join table कर लोगे। Semi join है, in semi join first we take the natural join, हम सबसे पहले इसके ऊपर natural join करते हैं of 2 relation, then we project attribute of first table only, और फिर हम पहले table से attribute लेते हैं। अब नेचुरल ज्वाइन क्या है? इफ वी सिंपली से ज्वाइन इट मींस नेचुरल ज्वाइन। अगर हम सिंपल ज्वाइन करते हैं 2 टेबल्स को तो उसको हम नेचुरल ज्वाइन कहते हैं। आउटर ज्वाइन है जी, इन आउटर ज्वाइन ऑल द टपल ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिलेशन आर पार्ट ऑफ द आउटपुट, कि इसकी लेफ्ट में और राइट में जितनी भी टपल होंगी वो सारी आपके आउटपुट के अंदर आएंगी। अब यहां पे है ज्वाइन रोज आर ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट, तो ये हमारा जो है वो इक्वी ज्वाइन है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, डेटा स्टोर नोटेशन डेटा फ्लोर डायग्राम रिप्रेजेंट। डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट,
डेटा इनपुट एंड आउटपुट नन ऑफ द अबव। अब डेटा फ्लो मॉडल जो है उसके हवाले से हमसे पूछा जा रहा है, कैप्चर द फ्लो ऑफ डेटा इन सिस्टम, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी। अब हमारे पास जो नोटेशन है इसमें देखिए, सबसे पहले प्रोसेस की नोटेशन है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस, इसको ग्रीन कलर और एक बॉक्स इसके अंदर प्रोसेस लिखा हुआ है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद एक्सटर्नल एजेंट है विच इज आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इसके बाद हमारे पास डेटा फ्लो बल्कि डेटा स्टोर यहाँ पे आना था, वेयर वी कैन स्टोर अवर डेटा। इसमें हम डेटा इनपुट भी करते हैं और डेटा आउटपुट भी करते हैं। इसके बाद आपको एक एरो नजर आ रहा है, दैट रिप्रेजेंट द डेटा फ्लो। अब डेटा स्टोर जो है इसके अंदर आपका डेटा इनपुट भी होता है, डेटा आउटपुट भी होता है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपके इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डेटाबेस डिजाइन। इसमें कंसेप्चुअल डिजाइन है, इसमें लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन है, इसमें फिजिकल डेटाबेस डिजाइन है और नन ऑफ द अबव है। हमारे पास जो है डेटाबेस डिजाइन तीन ही है, इसमें कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन भी है, इसमें लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन भी है और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन भी है। तो इसमें हमारे पास जो आखिरी है डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ये हमारे इस सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे जो ऊपर वाले तीनों हैं वो हमारे डेटाबेस डिजाइन हैं और उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो डेटाबेस डिजाइन ना हो और उसने हमसे नॉट टाइप ऑफ डेटाबेस डिजाइन पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद डेटा फ्लो डायग्राम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग देम। डेटा फ्लो इज मेड यूज ऑफ मॉडल, व्हाट सिस्टम डू, फ्लोज ऑफ डेटा कैन बी टेक प्लेस फ्रॉम अ प्रोसेस टू सिंक, कंटेक्स्ट डायग्राम शो द मेजर सिस्टम प्रोसेसेस, ऑल प्रोसेसेस हैव टू बी लेवल्ड आर डीकम्पोज्ड। अब ये भी हमारा कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम से क्वेश्चन है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट द सिस्टम, इट शो द मेजर सिस्टम प्रोसेसेस, इट आइडेंटिफाई द एंटिटीज टर्मिनेटर, इट इंक्लूड इन SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर हमारा जो है एक सिस्टम होता है, इसके बाद यूजर होता है और एडमिन, इसकी दो एंटिटीज हैं। यूजर जो है वो सर्च कर सकता है सिस्टम के अंदर और ऑर्डर कर सकता है, एडमिन जो है वो ऐड यूजर कर सकता है और लॉग आउट कर सकता है, डिलीट यूजर भी कर सकता है। ये एक सिंपल सा आपका कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है। अब इसके अंदर जो हमारा करेक्ट जवाब है वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम शो द मेजर सिस्टम प्रोसेसेस, ये हमारे सिस्टम के प्रोसेसेस को शो करती है। इसके अंदर सेकंड जो ऑप्शन है जो आपको राइट साइड में पॉइंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द ER डायग्राम, ER डेटा मॉडल एंड एग्जांपल ऑफ कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन और ऑल ऑफ द अबव। अब ERD डायग्राम इज रिलेटेड टू फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, कि ये हमारी फिजिकल डेटाबेस डिजाइन से रिलेटेड होती है, तो इसलिए हमारा जो जवाब है वो इसमें कंसेप्चुअल पे लगा हुआ है, तो फिजिकल जो है वो सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब होगी। इसमें जवाब जो है वो ए पे गलती से लग गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मैंडेटरी रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी, 1-to-1, 1-to-many, मैनी टू मैनी और मैनी टू 1। अब इसके अंदर हमें डिफरेंट कार्डिनैलिटीज दिखाई गई हैं। Cardinality shows that how many instances of one entity can be placed in an other relation at least, कि कितने एक टेबल के इंस्टेंसेस जो हैं वो दूसरी एंटिटीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्डिनैलिटीज। अब यहां पे देखें 1-to-many आपको कार्डिनैलिटीज नजर आ रही हैं। अब इसके अंदर देखें, एक आपकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी होती है, एक आपकी मिनिमम कार्डिनैलिटी होती है। जो एंटिटी के आपके बिल्कुल साथ है वो आपकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है और जो आपकी मिनिमम कार्डिनैलिटी है और जो आगे है वो आपकी मैक्सिमम है। तो आप देखें, मैनी
दिखाया गया है और उसके आगे जीरो दिखाया, अब यहां पे वन दिखाया गया और उसके आगे जीरो, इसका मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट होगा तो वो बहुत सारी बुक जो है वो रीड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वन टू मैनी का रिलेशन है और ये ऑप्शनल है। इसके बाद अगला जो रिलेशन है वो आपका मैनी टू वन का है और ये आपका मैंडेटरी रिलेशनशिप है, लव मी। अब इसके अंदर आपको मैनी और वन का रिलेशनशिप दिखाया गया है, मतलब इम्प्लॉय अगर बहुत सारे होंगे तो वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, अगर कोई भी इम्प्लॉय नहीं होगा तो फिर भी आप एक प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। इसके बाद अगला जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी का है, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो बहुत सारे कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट ना हो तो कोई भी कोर्स के अंदर इनरोल नहीं होगा। इसके बाद आपके पास मैनी टू वन का रिलेशनशिप है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक हॉबी रख सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोई भी हॉबी नहीं रख सकता, तो ये मैनी टू वन का आपका रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा आपका मैंडेटरी है, तो ये सेकेंड जो हमने पढ़ा है मैनी टू वन का, ये आपका मैंडेटरी रिलेशनशिप है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपके इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप नीड टू इन्वॉल्व थ्री आर मोर एंटिटीज। इसमें आपके पास यूनरी रिलेशनशिप है, बाइनरी रिलेशनशिप है, टेरनरी रिलेशनशिप है और एम रिलेशनशिप है। अब इसके पास हम देखते हैं जी बहुत सारे रिलेशनशिप हैं हमारे पास, इसमें यूनरी रिलेशनशिप है, एन एंटिटी टाइप लिंक विद इटसेल्फ आल्सो कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप आर यूनरी रिलेशनशिप, के एक ही जो है आपकी एंटिटी है और उसी के दरमियान रिलेशनशिप है। इसके बाद आपका बाइनरी रिलेशनशिप है, अ बाइनरी रिलेशनशिप इज वन दैट लिंक टू एंटिटीज, कि आपका ऐसा रिलेशनशिप जो आपकी दो एंटिटीज के दरमियान हो। इसके बाद आपका टर्नरी रिलेशनशिप है, अ टर्नरी रिलेशनशिप इज वन दैट इन्वॉल्व थ्री एंटिटीज, जिसके अंदर तीन एंटिटीज हो तो वो आपका टर्नरी रिलेशनशिप होगा। इसके बाद आपका एनरी रिलेशनशिप है, इन दिस रिलेशनशिप आपकी तीन से वाइड जब एंटिटीज होंगी, या आपको नहीं पता कितनी एंटिटीज होंगी लेकिन वो हैं तीन से ज्यादा, तो वो आपका एनरी रिलेशनशिप होगा। अब हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि थ्री आर मोर एंटिटीज, जिसमें तीन या तीन से वाइड एंटिटीज होंगी तो वो आपका एनरी रिलेशनशिप होगा। टेनरी जो है वो टर्नरी रिलेशनशिप के अंदर तीन आपकी जो है वो एंटिटीज होंगी, और जो आपका एंड्रे रिलेशनशिप है इसमें आपके तीन से वाइड जो है वो आपकी एंटिटीज होंगी। तो यहाँ पे तीन से वाइड का पूछा गया, तीन या तीन से वाइड, तो वो आपका टर्नरी रिलेशनशिप, अगर तीन है तो वो टर्नरी और अगर तीन से वाइड है तो वो आपका एंड्रे, और इस सवाल का जो जवाब है वो एंड्रे रिलेशनशिप बनता है, तो सी जो ऑप्शन है वो गलती से लग गया, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की ऑफ एनी अदर टेबल, कि आपकी एक प्राइमरी की है जो आप यूज कर रहे हो किसी और दूसरे टेबल के अंदर, तो इस की को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की कहेंगे, कैंडिडेट की कहेंगे, फॉरेन की कहेंगे, अल्टरनेट की कहेंगे। तो ये कीज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सारी कीज के बारे में बताया, पहले एक इसका क्वेश्चन गुजरा है कि व्हेन वी आर यूजिंग द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल दैट इज यूज्ड इन एन अदर टेबल एज अ एट्रीब्यूट, तो इसको हम फॉरेन की कहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक जॉइन रो आर जॉइन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू टेबल, के हमारे जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर जो है वो उनको ज्वाइन किया जा रहा है, तो इसमें जो है हम ज्वाइन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो आपका जो है इक्वी ज्वाइन वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, हमारे पास इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटर ओनली वन रिलेशन आर टेबल इज यूज्ड, यूनरी के एक ही एंटिटी यूज हो रही है या एक ही टेबल यूज हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है, सेलेक्ट ऑपरेशन है और प्रोजेक्ट ऑपरेशन है। अब यूनरी ऑपरेशन, दीज आर दोज ऑपरेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन और टेबल, बाइनरी के अंदर जो है दीज आर दोज ऑपरेशन विच इन्वॉल्व पेयर ऑफ रिलेशन आर एंड देयरफॉर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन।
इसके बाद दीज ऑपरेशन आर, इसमें हमारे पास जो ऑपरेशन है वो यूनियन के हैं, फैट डिफरेंसेस है और कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें आगे थर्ड नंबर पे आपके पास सेलेक्ट ऑपरेशन है, दैट सेलेक्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड टू सेलेक्ट सर्टेन रो आर टपल ऑफ टेबल सो इट परफॉर्म इट्स एक्शन ऑन द टेबल हॉरिजॉन्टली। कि सेलेक्ट ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली होगा और ये टेबल के ऊपर यानी रो के ऊपर होगा। प्रोजेक्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन वर्क ऑन अ सिंगल टेबल वर्टिकली, ये आपके कॉलम के ऊपर होगा जब आप प्रोजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। कंपोजिशन रिलेशनशिप ऑपरेशन है, द रिलेशनशिप ऑपरेटर लाइक सेलेक्ट द प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड नेस्टेड फ्रॉम iteratively। अब इसके अंदर जो है हमसे पूछा गया वन रिलेशन, तो वो हमारा जो है वो यूनरी ऑपरेशन बनता है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डिनलिटी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर एंटिटीज के एक या एक से फाइव एंटिटीज के साथ जो है आपका रिलेशनशिप है, तो वो वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है और आपका मैनी टू मैनी है। वन टू वन जो है वो देखें, यहाँ पे आपको देखें एक है और एक ही के साथ आपका रिलेशन है। आगे वन टू मैनी है कि एक एंटिटी है उसका दो एंटिटीज के साथ या तीन एंटिटीज के साथ रिलेशन है। आगे मैनी टू वन है कि दो एंटिटीज का एक एंटिटीज के साथ रिलेशन है, और मैनी टू मैनी है कि बहुत सारी एंटिटीज का बहुत सारी एंटिटीज के साथ रिलेशन है। यहाँ पे वन आर मोर है तो वो आपका वन टू मैनी बनता है, तो बी ऑप्शन आपके इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 16 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल जीरो डायग्राम, डिटेल डायग्राम और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब जो हमारी डेटा फ्लो डायग्राम है इसमें कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी आती है, लेवल जीरो डायग्राम भी आती है और डिटेल डायग्राम भी आती है, तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है नन ऑफ द अबव वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 17 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एंटिटीज, इसमें वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, नेमिंग एंटिटी है और नॉन ऑफ द अबव है। तो हमारे पास जो एंटिटीज हैं वो हमारे पास वीक एंटिटी भी होती है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी होती है और नेमिंग एंटिटी भी होती है। वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगुलर विद द डबल लाइन एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिप्रेजेंट द सिंगल लाइन रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे हमारी जो है नन ऑफ द अबव ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब आ जाएगा, क्योंकि तीनों हमारी एंटिटीज की टाइप हैं और ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर इसमें हम एंटिटीज को शो करते हैं, एट्रीब्यूट्स को और रिलेशनशिप को। तो आखिरी जो है नन ऑफ द अबव ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम द एक्टर एंड एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम बाउंड्री, डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, क्लास डायग्राम और यूज केस डायग्राम। अब यहाँ पे हमसे यूज केस डायग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज एन आइट्रेटिव एक्टिविटी, इट टू कंपोनेंट यूज केसेस एंड एक्टर, इसमें दो ही कंपोनेंट होती हैं यूज केसेस और एक्टर। एन एक्टर इज एन एंटिटी दैट इज इंसर्ट इन द इंटरेक्टिंग विद सिस्टम, और एक्टर जो है वो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा जा रही है, आपको एक बॉक्स नजर आ रही है दैट रिप्रेजेंट द सिस्टम बाउंड्री, ये आपके सिस्टम की बाउंड्री है। बाहर आपको एक मैन की शक्ल का आदमी नजर आ रहा है जिसको हम एक्टर कहते हैं, अंदर आपको एक ओवल की शक्ल में बॉक्स नजर आ रहा है जिसको हम केसेस कहते हैं। तो एडमिन जो है वो एड यूजर कर सकता है, ये उसका फर्स्ट केस है। सेकंड केस के अंदर वो अपडेट यूजर कर सकता है, थर्ड केस के अंदर जो है वो डिलीट यूजर कर सकता है। तो ये एक आपकी यूज केस डायग्राम बनी हुई है बिल्कुल सिंपल। तो ये इसके अंदर आपका जो है लास्ट वाला यूज केस डायग्राम, ये आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज आर एग्जिस्ट इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। हमने चार किस्म की कार्डिनलिटीज के हवाले से पढ़ा है, इसमें वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, मैनी टू मैनी है और मैनी टू वन है। तो यहाँ पे आपका 4 जो है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20, यूजर राइट इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन और कैटलॉग। यहाँ पे हमसे
कैटलॉग के बारे में पूछा जा रहा है। कैटलॉग इज एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस इन डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच स्टोर ऑलमोस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस, अबाउट द डेटाबेस स्कीमा, अबाउट द यूजर इंफॉर्मेशन, अबाउट द राइट्स ऑफ द यूजर एंड मैनी मोर थिंग्स अबाउट द डेटाबेस, और बहुत सारी चीजें डेटाबेस के हवाले से। तो यूजर राइट की जो इंफॉर्मेशन है वो कैटलॉग के अंदर स्टोर की जाती है। तो आखिरी ऑप्शन जो है कैटलॉग, वो हमारे इस जो सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिल इन द ब्लैंक इज वैल्यू विच इज एम्प्टी एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो एंड स्पेस। जो जीरो एंड स्पेस से डिस्टिंक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी वैल्यूज के हवाले से क्वेश्चन है। डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं, नल वैल्यू कहते हैं, बोथ ए एंड बी कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव है। तो ये वैल्यूज के अंदर हमने पढ़ा था जब हम नल वैल्यू पढ़ रहे थे कि नल वैल्यू आपकी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके अंदर ना तो जीरो आता है ना ही स्पेस आता है, बल्कि ये एम्प्टी होती है, ये ब्लैंक होती है, खाली होती है। तो बी ऑप्शन जो है नल वैल्यू, वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 22 के ऊपर, ये फिर कीज के हवाले से है। अ की विच इज नॉट चूजन एंड एज द प्राइमरी की इज नोन एज, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, फॉरेन की है और अल्टरनेट की है। ऐसी प्राइमरी की जिसको हम जो है चूज नहीं करते उसको हम अल्टरनेट की कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आखिरी जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 23, ये फिर ज्वाइन से है। इफ सिंपली ज्वाइन इट मींस नेचुरल ज्वाइन, फिल इन द ब्लैंक। इफ द सिंपल ज्वाइन इट मींस नेचुरल ज्वाइन, थीटा ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन है, सेमी ज्वाइन है और नेचुरल ज्वाइन है। तो इसके अंदर हमें बताया भी गया इट मींस नेचुरल ज्वाइन, बिल्कुल अगर जो सिंपल ज्वाइन होगा तो नेचुरल ज्वाइन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट 24 है जी, फिर वही डेटा फ्लो डायग्राम के हवाले से क्वेश्चन है। विच नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेसेस ऑफ द सिस्टम इन डेटा फ्लो मॉडल। प्रोसेसेस हैं, एक्सटर्नल एजेंट है, डेटा फ्लो है और डेटा स्टोर है। तो प्रोसेसेस जो हैं वो आपके प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 25 के ऊपर, ईआरडी डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग के, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है और ऑल ऑफ दी अबव को रिप्रेजेंट करती है। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो एंटिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, एट्रीब्यूट को भी रिप्रेजेंट करती है और रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आखिरी जो है वो हमारा इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरे 3 YouTube चैनल हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज द वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज YouTube चैनल, जिसके ऊपर मैं आपको आपकी असाइनमेंट के हवाले से सोल्यूशन फ्राहम करता हूं, आपकी GDBs के हवाले से सोल्यूशन फ्राहम करता हूं और आपके क्विज के हवाले से सोल्यूशन देता हूं। दूसरा मेरा चैनल जो है वो 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है, जिसके ऊपर मैंने आपके कुछ 15 मुश्किल सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और उनके लेक्चर अपने रिकॉर्ड करके रखे हैं। तो आप टीचर्स ऑनलाइन पे जाएं और वहां पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं। और थर्ड जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो की टू सक्सेस है, जिसको आप देख रहे हैं। और मैं फिर वही आप तमाम दोस्तों को कहूंगा कि अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और उसमें पढ़ रहे हैं और किसी भी डिसिप्लिन के अंदर इनरोल हैं, तो आप मेरे इन 3 चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस पे जो मौजूद वीडियोस हैं या इस पे मौजूद जो लेक्चर्स हैं या इस पे मौजूद जो एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से मटेरियल अवेलेबल है आप उससे फ़ायदा उठा सकें और जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 के। Which of the following is not type of DFD? इसमें data consistency है, economic of scale है और better जो है data security है और all of the above है। यहाँ पे type नहीं बल्कि disadvantages आना था कि कौन सा जो है ऐसा है जो इसका advantage नहीं है या advantage है। तो database management system जो है यहाँ पे question की I think के गलती है कि कौन सा ऐसा आइटम है जो डेटाबेस का एडवांटेज नहीं है, ये क्वेश्चन आना था।
तो यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी है, बेटर डेटा सिक्योरिटी है, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, और बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स हैं। तो सारे जो हैं वो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लेवल ऑफ डेटा, इसमें रियल वर्ल्ड डेटा है, इसमें मेटा डेटा है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा है, और ऑल ऑफ द अबव है। तो हमारे पास तीन किस्म का डेटा होता है, इसमें रियल वर्ल्ड डेटा है। द रियल वर्ल्ड लेवल ऑफ डेटा मीन दैट लेवल ऑफ डेटा एट विच एंटिटीज आर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी, कि आपकी जितनी भी एंटिटीज हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं वो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट की एक मिसाल ले लें, एक एम्प्लॉय की एग्जांपल ले लें। इसके बाद आपका कुछ मेटा डेटा होता है, फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा रिलेटेड टू एन एंटिटी, जिस डेटा को हम स्टोर करते हैं किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट के रिलेटेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, विल डिफाइन द वे द डेटा विल स्टोर्ड। उसके लिए हम एक वे डिफाइन करते हैं जिसके थ्रू वो डेटा स्टोर होता है, इसको हम मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा इज ऑल्सो नोन एज स्कीमा फॉर द रियल वर्ल्ड, कि ये आपका स्कीमा है रियल वर्ल्ड डेटा का। अब जैसे हमने स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा सेव करना है तो हम कहते हैं कि हम उसकी एज स्टोर करेंगे, हम उसका नाम स्टोर करेंगे। आगे उनकी फिर हम डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं कि एज जो है वो किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर होगा, नेम जो है वो किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर होगा। तो ये सारा जो है आपका मेटा डेटा के अंदर आ जाता है। इसके बाद आपका एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा लेवल शो द एक्चुअल डेटा रिगार्डिंग द एंटिटीज एज रियल वर्ल्ड, कि ये आपका एक्चुअल डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टूडेंट का डेटा सेव करना था, उसके अंदर एज को स्टोर करना था, हमने कहा कि जी हमने नेम जो है वो मोहसिन रजा स्टोर किया, एज जो है हमने 30 उसके अंदर स्टोर की। ये इस तरीके से आपका जो एक्चुअल डेटा होगा ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा होगा या फिजिकल डेटा होगा। तो ये सारे जो लेवल हैं आपके डेटा लेवल हैं। तो आखिरी जो है ऑल ऑफ द अबव, ये आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, 28 के ऊपर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम एंड यूटिलिटीज आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट एंड आउटपुट। सॉफ्टवेयर की है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, यूटिलिटीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बी ऑप्शन जो है वो सॉफ्टवेयर की है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 29, अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इसमें डेटाबेस है, डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा मॉडल है और डेटा है। तो डेटा मॉडल जो है, इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड इन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये आपका कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट होता है जो आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है या बयान करता है। तो डेटा मॉडल जो है सी ऑप्शन, वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, 30 नंबर के ऊपर, द फिल इन द ब्लैंक कंस्ट्रेंट स्पेसिफिक वेदर ईच एंटिटी सुपर टाइप अकरेंस मस्ट बी आल्सो मेंबर ऑफ एट लीस्ट वन सब टाइप। इसमें स्पेशलाइजेशन है, इसमें यूनिकनेस है, इसमें इनहेरिटेंस है और कंप्लीटनेस है। तो कंप्लीटनेस के हवाले से हमसे पूछा जा रहा है, द कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई वेदर ईच एंटिटी सुपर टाइप अकरेंस मस्ट बी आल्सो अ मेंबर ऑफ एट लीस्ट वन सब टाइप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रेंट, इसमें आपका पार्शियल कंप्लीट कंस्ट्रेंट है और टोटल कंप्लीट कंस्ट्रेंट है। तो इसमें जो है आखिरी वो आपका कंप्लीटनेस है। तो आखिरी जो जवाब है डी ऑप्शन, वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों मैं फिर आपको बताता चलूं, 24/7 टीचर्स ऑनलाइन मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मैंने आपकी कोई 15 मुश्किल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके वहां पे रखे हैं। तो आप लोग 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जरूर जाएं और वहां पे जो लेक्चर अवेलेबल हैं आप इनसे भी जरूर फायदा उठाएं। इसका जो URL है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बिल्कुल एंड में, तो वहां से आप बड़ी आसानी के साथ मेरे तीनों चैनल्स के ऊपर मूव कर सकते हैं और उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इन्वॉल्व मेनी एंटिटीज और मोर एंटिटीज। इसमें यूनरी रिलेशनशिप है, इसमें बाइनरी रिलेशनशिप है, इसमें टर्नरी रिलेशनशिप है और एनवे रिलेशनशिप है, जिसमें बहुत सारी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी। इट मीन्स
कि वी आर टैकिंग अबाउट द एनरे रिलेशनशिप, हम ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आखिरी जो डी ऑप्शन है वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, अ की विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इज नोन एज, फिल इन द ब्लैंक। इसमें प्राइमरी की है, इसमें कैंडिडेट की है, इसमें फॉरेन की है, इसमें अल्टरनेट की है। तो ऐसी की जिसको हम इस्तेमाल करें टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली, इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। कीज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि कितनी किस्म की आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नॉर्मलाइजेशन एंड वी हैव सीन दैट द 6th टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन एग्जिस्ट इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, के 6 किस्म की नॉर्मलाइजेशन होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एंड्स विद द 6th नॉर्मल फॉर्म, बट इन मोस्ट सिचुएशन वी हैव यूज ओनली 3rd नॉर्मल फॉर्म, हम जो है वो 3rd नॉर्मल फॉर्म तक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 34, फिल इन द ब्लैंक ऑपरेशन इज यूज्ड ऑन अ सिंगल टेबल वर्टिकली, कि आपका कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो वर्टिकली परफॉर्म किया जाता है सिंगल टेबल के ऊपर। इसमें यूनरी ऑपरेशन है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें सेलेक्ट ऑपरेशन है, इसमें आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशन है। हम ऑपरेशंस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें हमने प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था कि दैट इज यूज्ड ऑन अ सिंगल टेबल वर्टिकली। ये आपका जो रिलेशन है ये आपका यूज किया जाता है ऑन अ सिंगल टेबल और वर्टिकली इसको हम करते हैं। तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 35 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टाइप ऑफ DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कौन सी आपकी मेजर टाइप्स हैं। इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन है और ऑल ऑफ द अबव है। तो डेटा मैनिपुलेशन जो है दैट इज द एब्रीवेशन ऑफ DML। DML जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। डेटा मैनिपुलेशन आर यूज टू कैरी आउट द डिफरेंट ऑपरेशन लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करता है। इसको फर्दर 2 लैंग्वेजेस के अंदर कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज द प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड द सेकेंड वन इज द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो इसके अंदर बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये फिर वही कार्डिनैलिटीज के हवाले से है और इसके अंदर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्डिनैलिटीज दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन मोर एंटिटीज, कि बहुत सारी एंटिटीज के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को शो करती है। तो इसमें मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इनफोर्स एंटिटी, फिल इन द ब्लैंक। सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट और नल कंस्ट्रेंट है। इसमें एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। इट स्टेट द इन द रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की कैन हैव नल वैल्यू। इसमें कोई जो प्राइमरी की है उसकी कोई नल वैल्यू नहीं होती इसके में जो है, इसलिए इसको हम जो है इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं। तो एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो इस सवाल का 3rd ऑप्शन, वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 38 के ऊपर, एज पार्ट ऑफ डेटाबेस नेमिंग कन्वेंशन एट्रीब्यूट नेम शुड बी यूज सर्फिक्स सच एज ID, नंबर आर कोड फॉर दी फिल इन दी ब्लैंक। फॉरन की है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है एंड प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की जो है एज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस नेमिंग कन्वेंशन एट्रीब्यूट नेम शुड बी सर्फिक्स सच एज ID, नंबर आर कोड फॉर द प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो है वो डी ऑप्शन के ऊपर मौजूद है। तो प्राइमरी की जो है वो हमारा इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। तो लास्ट वाली जो है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब। नेक्स्ट है जी 39 के ऊपर, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी शो दैट हाउ मैनी फिल इन द ब्लैंक ऑफ एंटिटी कैन बी प्लेस्ड इन एन अदर रिलेशन एट मोस्ट। कीज हैं,
एट्रीब्यूट हैं, इंटेंसिव हैं और रिलेशनशिप है। तो ये हमारा जो है कार्डिनलिटीज के हवाले से क्वेश्चन है। कार्डिनलिटीज शो ऑफ दैट हाउ मेनी इंटेंसिव ऑफ वन एंटिटी कैन बी प्लेस्ड इन एन अदर रिलेशन एट लीस्ट। तो इसमें इंटेंसिव जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इंटेंसिव, ये आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 40 नंबर के ऊपर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज द स्कीमा फॉर द रियल डेटा। इसमें रियल डेटा है, मीटा डेटा है, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा है और ऑल ऑफ द अबव है। तो ऐसा कौन सा डेटा है जो आपका रियल वर्ल्ड डेटा का स्कीमा है, तो वो आपका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मीटा डेटा है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, क्योंकि मीटा डेटा के अंदर ही हम लोगों ने पढ़ा था कि मीटा डेटा इज आल्सो नोन एज द स्कीमा फॉर द रियल वर्ल्ड डेटा, कि आपका जो मीटा डेटा है वो आपका रियल वर्ल्ड डेटा का जो है वो स्कीमा है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नॉर्मलाइजेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फिल इन द ब्लैंक। फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है और ऑल ऑफ द अबव है। इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो नॉर्मलाइजेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 42, ये फिर आपका कीज के हवाले से है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज यूज्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कितनी किस्म की कीज यूज की जाती हैं? इसमें दो है, चार है, छह है और आठ है। तो हमने जो है छह किस्म की डिफरेंट कीज पढ़ी हैं दैट आर यूज्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो यूज की जाती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो वो सिक्स जो है सी ऑप्शन के ऊपर मौजूद है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर एग्जिस्ट इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, के कितने किस्म के रिलेशनशिप जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसमें वन है, इसमें टू है, इसमें थ्री है, इसमें फोर है। तो हमने चार किस्म के रिलेशनशिप पढ़े हैं, जिसमें यूनरी रिलेशनशिप पढ़ा है, बाइनरी रिलेशनशिप पढ़ा है, टर्नरी रिलेशनशिप पढ़ा है और एंट्री रिलेशनशिप पढ़ा है। तो चार किस्म के रिलेशन होते हैं, तो फोर जो है डी ऑप्शन वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 44 के ऊपर, ये फिर वही डेटा फ्लो मॉडल के हवाले से है। विच नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इन डेटा फ्लो, के बाउंड्री कौन सा जो है वो नोटेशन रिप्रेजेंट करती है। इसमें आपके पास प्रोसेसेस हैं, इसमें आपके पास एक्सटर्नल एजेंट हैं, इसमें डेटा फ्लो है, इसमें डेटा स्टोर है। तो एक्सटर्नल एजेंट जो हैं वो आपके किसी भी सिस्टम की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी 45 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्लीटनेस। इसमें पार्शल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट है, इसमें टोटल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट है, इसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन है और नन ऑफ दी अबव है। तो हमारी जो कंप्लीटनेस है उसके अंदर दोनों किस्म की कंप्लीटनेस आती है, पार्शल भी और टोटल भी। तो बी सी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी, ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन एंटिटी इंटेग्रिटी constraint there is no attribute of fill in the blank key have null value, foreign key है, candidate key है, alternate key है और primary key है। हम entity integrity constraint के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमारी जो primary key है वो उसके अंदर हमारी null value जो है वो नहीं आती। तो आखिरी जो option है primary key, वो हमारा इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। Question number 47 है, कॉन्टेक्ट लेवल डायग्राम प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, FRF, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिजाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट फेज और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो कॉन्टेक्ट लेवल डायग्राम है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द FRF डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा एक्चुअल डेटा स्टोर इन द डेटाबेस, रियल वर्ल्ड डेटा है, मेटा डेटा है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा है और ऑल ऑफ द अबव है। तो हमारा जो एक्चुअल डेटा सेव होता है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा यानी फिजिकल डेटा जहां पे स्टोर होता है, वो सी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन ई आर डी डायग्राम। ए ऑप्शन एक रेक्टेंगुलर सॉलिड लाइन के साथ, एक रेक्टेंगुलर डबल लाइन के साथ, और एक रेक्टेंगुलर डॉटेड लाइन के साथ, और ऑल ऑफ द अबव। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड लाइन, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आना था, यहाँ पे बी ऑप्शन के ऊपर क्लिक है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी 50 के ऊपर, डीएमएल इज स्टैंड फॉर, डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज है, डेफिनेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, और ऑल ऑफ दी अबव है, तो इसमें आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो सी ऑप्शन वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको 50 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करवाए हैं, ना सिर्फ सॉल्व करवाए हैं बल्कि ये भी बताया कि कैसे सॉल्व होंगे। अब आपके ग्रैंड क्विज के अंदर या मिड टर्म के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो सॉल्व कर लेंगे। आखिर में दोस्तों मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि आप मेरे तीनों चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।